अरब सागर में साइक्लोन आने वाला है। चक्रवात से पहले समुद्र में जो उथल पुथल मचती है, वैसा ही माहौल अब अरब सागर में बनना शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान आने के शुरुआती संकेत अरब सागर में मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ शुरुआती संकेत मिले हैं, लेकिन अगले 72 घंटे में होने वाली गतिविधियां काफी अहम होंगी, इसलिए अगले 72 घंटे तक मौसम वैज्ञानिक इस पर नजर रखेंगे। अगर ये चक्रवाती तूफान आता है तो इसका असर मॉनसून पर देखने को मिलेगा। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट फोटो से ये पता चल रहा है कि अरब सागर में एक अशांत स्थिति बनी हुई है। ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 50 डिग्री पूर्व से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। ये इक्वाटोरियल बेल्ट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पर भी मौजूद है, जिससे पूरे नॉर्थ वेस्ट स्ट्रेच पर कई गतिविधियां हो सकती है। आमतौर पर इक्वाटोरियल बेल्ट किसी भी चक्रवाती गतिविधि को खत्म कर देता है, लेकिन मौसम के मामले में हम किसी भी अपवाद से इनकार नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इक्वेटर के दोनों तरफ बने हवाओं क्षेत्र के कारण अगले 48 से 72 घंटे तक इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। समुद्र की स्थिति भी साइक्लोन के अनुकूल है। हालांकि बीते 2 सालों की बात करें तो पिछले 2 सालों में मई महीने में अरब सागर में कोई चक्रवात नहीं आया है। 16 से 20 मई के बीच 2018 में सागर साइक्लोन आया था और उसी साल 21 से 26 मई के बीच अति गंभीर चक्रवाती तूफान मेकुनु आया था। लेकिन राहत की बात ये रही थी कि ये दोनों तूफान सोमालिया, यमन और ओमान की तरफ मुड़ गए थे और भारत को इससे कोई खतरा नहीं हुआ था। बावजूद इसके इसका कुछ असर तटीय गुजरात और कोकण इलाकों में देखने को मिला था। मॉनसून अध्ययनकर्ता डॉक्टर एमपी यादव के अनुसार 15 मई के बाद कभी भी अरब सागर में चक्रवात आने की संभावना है। प्रारंभिक तौर पर चक्रवात के मुंबई पर असर होने और उसके बाद अम्मान की ओर चले जाने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर अभी इस चक्रवात की दिशा का पता नहीं चल पाया है, पर यह लगभग तय है कि इस हफ्ते चक्रवात दस्तक देगा। हालांकि मौसम विभाग ने अब तक चक्रवात को लेकर किसी तरह की सूचना जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में तस्वीर साफ होने पर मौसम विभाग की ओर से भी चक्रवात को लेकर सूचना जारी की जाएगी। फिलहाल भारत में केरल में मॉनसून की एंट्री को लेकर इंतजार है, लेकिन अगर इस वक्त अरब सागर में कोई चक्रवाती तूफान या इसी तरह की गतिविधियां होती हैं, तो इसका सीधा असर मॉनसून पर देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।